आज सिवान शहर के रजिस्ट्री कचहरी रोड स्थित अमेरिकन इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन जेड इस्लामिया के प्रोफेसर महमूद अहमद ने फीता काटकर किया। अमेरिकन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर समीर अहमद ने बताया कि हर दो महीने पर सेमिनार कराकर लड़कों एवं लड़कियों को फटाफट इंग्लिश बोलने की तैयारी कराई जाती है। इस कार्यक्रम में लड़कों एवं लड़कियों ने संगीत और स्पीच के माध्यम से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सरकार बहुत ही जरूरी है, अंग्रेजी जानना अलग बात है और बोलना अलग बात है। हम लोग अपने पढ़ाते हैं इंटर बीए और एमए के स्टूडेंट। City is called nuclear people. All of you know? Yes. That is why I can tell you the, what is the benefit of nuclear power. The benefit of by the nuclear power is we can. But they live together in our India and they know the, and they know the culture is maintained by the social relationship. As well as we celebrate our national festival with very grateful and with joining in a group just like Independence Day, Republic Day, as well. अमेरिकन स्कूल के अंदर हम यहाँ पे एक सेमिनार्स का आयोजन रखते हैं हर दो महीने बाद। सेमिनार्स का होता है कि स्पीकिंग हमारा टेस्ट होता है जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं स्पीकिंग का। उनको स्टेज पर हम आपको यहाँ पे कराते हैं कि बच्चे के अंदर कितना स्किल्स है, कैसा अपनी प्रेजेंटेशन लोगों के सामने देते हैं। इस तरह से गाइस हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये प्रोग्राम्स कराते हैं ताकि वो अपनी टैलेंट लोगों के बीच में जाके रख सके। तो इस तरह का आयोजन यहाँ पे यहाँ पे बच्चों को हम सिखाते हैं उनकी जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और बच्चों के लोगों के सामने बच्चा बारे में कैसे बता सकता है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल को यहाँ पे सेमिनार्स के अंदर सिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स के पास कितना कॉन्फिडेंस है, कितना बच्चों के सामने जाके बोल सकता है, जिसकी स्पेशली हमारे टेस्ट होती है, स्पीकिंग टेस्ट होता है। देखिए अमेरिकन क्या है सर, मैंने बताया कि एक ब्रांड इंस्टीट्यूशन है और आज के दौर में हर इंसान ब्रांड पसंद करता है और अमेरिकन एक ब्रांड इंस्टीट्यूशन है जो 1991 से हमारी संस्था चल रही है। पूरे भारत में अप्रॉक्स 1000 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेस है और हम जो एजुकेशन और हम जो ट्रेनिंग इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स को देते हैं मुझे लगता है कि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि हम बच्चों को एक साइकोलॉजिकल पैटर्न से यहाँ पे ट्रेनिंग्स कराते हैं सर, बेस्ड फ्रॉम ट्रेनिंग और टाइम इज ओवर। ओके समीर का नाम जो एक्टर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सर सस्ते ने क्या है आज अमेरिकन इंस्टीट्यूट एंड सिवान में एंड चाइल्ड कंपटीशन का आयोजन हुआ है। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, इससे बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट है वो बाहर आता है और टीचरों को जज करने में ये मदद मिलती है कि हमारे कौन से बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है। सबसे पहले मैं इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर समीर सिद्दीकी साहब, नवाब अली और जितने ऑनरेबल टीचर्स हैं
उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया गार्डन के लिए। आज के युग में अंग्रेजी जानना, अंग्रेजी बोलना कंपल्सरी होना चाहिए। बगैर अंग्रेजी के हम आज इस दौर में कहीं भी नहीं टिक पाएंगे। इसलिए बच्चों के अंदर अंग्रेजी का सीखना, अंग्रेजी का जानना और अच्छी स्पीकिंग बहुत ही जरूरी है। इसके बगैर कोई भी लड़का जब स्टेट से बाहर जाएगा कंपटीशन के मुकाबले में नहीं टिक पाएगा। इसलिए बच्चों को शुरू से ही फाउंडेशन कोर्स जिस होता है ना, बच्चों की जो आपको फाउंडेशन मजबूत होगा तब बुनियाद तब मकान मजबूत होगा। इसलिए यही बुनियाद है जहाँ बच्चों के अंदर टैलेंट पैदा किया जाता है। बहुत जरूरी है, बच्चे बहुत कुछ जानते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेशन पावर कैसे होगा, स्टेज पे आने के बाद ही होगा। बच्चे आते हैं, एक लड़का बोल रहा था, बहुत टूटी फूटी आवाज में बोल रहा था, अभी पहला उसका स्पीच था, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे बोलते बोलते इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं तो बच्चे को बोलने पर ताकत पैदा होती है और उसका रजिस्ट्रेशन दूर हो जाता है और वो फ्लुएंटली बोल लेता है। किसी भी चाहे वो कितना ही नॉलेज रखता हो और फर्स्ट बार उसमें स्टेज पर आप माइक दे दीजिए वो नहीं बोल पाता है। और ऐसे लोग जो बहुत कम जानते हैं लेकिन स्टेज पर प्रोग्राम करते हैं वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं। इसलिए बच्चों के अंदर अंग्रेजी सिखाने के साथ साथ उस तरह का प्रोग्राम करना, सेमिनार करना, कम्पिटेटिव एग्जाम कराना ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। और मैं धन्यवाद देता हूँ इंस्टीट्यूट के तमाम जितने हमारे मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ इस तरह का प्रोग्राम आयोजित करें और बच्चों के अंदर इस तरह के टैलेंट पैदा करें कि सीवान का नाम रोशन। अपना परिचय बता दें। मैं प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी, इस्लामिया कॉलेज सीवान, सीनियर मेंबर सिविल विश्वविद्यालय छपरा। From this institute, this institute is very important for us for listening English, remembering English. This is very good for us and for this institute is very good for English to remembering this. Thank you. Now today is the seminar and I am told about the women empowerment. Just because in this time women empowerment is very important. Just because if the woman has no empowered and they have no idea what the power of them, then no our country is not well as development country. If you say about mother is given very pain to birth a child, then when he give a child, then it is the when is the working outside, then working for society, then it is the very important to women is empowered. When a mother is gives take pain for child, then he work to our society, then he also responsible and she is the very I told the woman is the very useful and she is the very empowered to our society. And women empowerment की बात की है लेकिन देखा जाए तो जो शुरुआत होती है महिलाओं का अत्याचार की वो घर से ही होती है, उसको कैसे दूर होगी? I think women understand the power and she also understand the his rights just because it's a rights to given to his birth. Thank you. जो सेमिनार का आयोजन किया गया है क्या मकसद है? इज टू डिलीवर द स्पीच टू रेक्टिफाई द सोशल बर्थ एक वुमेन राइट सफरिंग फ्रॉम द लॉट्स ऑफ डिजीजेस एंड ही वांटेड टू शेयरिंग सम मेमोरीज टू रेक्टिफाई द राइट ऑफ द ह्यूमन ऑल्सो ह्यूमैनिटी इज नॉट बट ऑल्सो ह्यूमैनिटी इज नॉट एबल इवन टू हाइड फ्रॉम द रॉन्ग थिंग एंड दे हैव अ थिंग दिस व्हाई आर दिस इनिशिएटिव टू डिलीवर द स्पीच टू रेक्टिफाई द होल सिस्टम ऑफ द कंट्री। थैंक यू। In this time, so many of the people were only using the grammatical mistakes. But in this institute, Americans are having education that how to face the challenges in here without the using of the grammatical things. Without the grammatical in British things, you can know that in so many of the people were not learning grammar. Then after he can't do the English learning. But in this institute, without grammar, we can do the English very perfectly because in this time the English is you have not you can't do you can face
फेस नॉट चैलेंजेस इन एनी टाइप ऑफ द एरिया एंड एनी इंडियन. क्या मानते हैं कि जिनको हिंदी आती है उनको जॉब लेने में परेशानी होगी? यस, इन द आउटर ऑफ द स्टेट वी कैन नो दैट फर्स्टली ही कैन टू कम इन एंड कम आउट. दिस मीन्स ही कांट नो द व्हाई ही कैन गो इनसाइड द अंडर टू टेक द इंटरव्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ थिंग्स. थैंक यू.